जयपुर में एक बहुत गंदा माहौल बीजेपी के नेताओं ने बना रखा है। बार बार कह रहे हैं कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध है, कावड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, भगवान भोलेनाथ की यात्रा पर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। हम भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो माहौल इन लोगों ने बनाया, इनको पाप लगेगा, भगवान माफ नहीं करेंगे कभी। मैंने पुलिस अधिकारी से पूछा क्या रोक है, वो कहते सर हम क्यों रोक लगाएंगे, रोक लगाना परमिशन देना सब सरकार का काम है। जब सरकार ने रोक ही नहीं लगाई तो झूठ क्यों बोल रहे हो, थाने में जाते हैं जाकर ज्ञापन देते हैं, अरे भैया कौन रोक रहा है, जाइए ना कांवड़ यात्रा निकालिए। गलता पर जब लोग पहुंचते हैं गलता कुंड में, पानी वगैरह ले लेते हैं वहां से और अपनी कांवड़ लेकर चलते हैं, तो वहां पर चार सादा वर्दी में चार सरकारी आदमी उनसे की ड्यूटी है। जो एक आदमी पूछता है सर आप कहां जाएंगे, वो बताते हैं मान लीजिए कि हम साहब सोडाला जाएंगे, तो सोडाला के लिए उनके लिए चेतक की व्यवस्था की जाती है, उनको पैसेज दिया जाता है ट्रैफिक जाम में फंसे नहीं। इसके लिए सिर्फ उनको पूछा जाता है आपसे कोई नाम मांग रहा है, कोई पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन, झूठ क्यों बोलते हो। झूठ बोलकर आप माहौल गंदा कर सकते हैं लेकिन भोलेनाथ माफ नहीं करेंगे। भोलेनाथ भोले जरूर हैं लेकिन जब इलाज करते हैं तो बहुत जबरदस्त करते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बीजेपी के लोग झूठा माहौल बना रहे हैं, बार बार झूठा माहौल बनाना। अखबार में एक खबर आई और उस खबर को इश्यू बनाएगा, खबर क्या थी, खबर सिर्फ इसलिए थी कि कहीं सुविधा चाहिए, गलता पीठ के जो महाराज है उनको बुलाएगा, बुलाकर कहा आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, वो सुविधा बाकी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा था हम हमेशा फूल बरसाते हैं, हम फूल बरसाएंगे। बात का बतंगड़ बनाना, बीजेपी से पूछे भाई साहब आटा दाल चावल मुरमुरे दही छाछ इस सावन के महीने में आपने टैक्स लगाया बीजेपी के लोगों, थोड़ा जाकर अपने मामा जी से भी कहो कि आटा दाल चावल पर सावन के महीने में टैक्स लगाया, सावन में लोग धर्म करते हैं, आपने तो आटे पर टैक्स लगा दिया। अटल जी ने टैक्स नहीं लगाया, इंदिरा जी ने टैक्स नहीं लगाया, राजीव जी ने टैक्स नहीं लगाया, नरसिंह राव जी या मुरारजी देसाई या भैरू सिंह जी ने टैक्स नहीं लगाया, ये टैक्स तो आपके मामा जी ने लगाया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मामा जी, मामा जी से कहो भैया टैक्स हटाए, अभी लगाया टैक्स, कुछ नहीं पहले कपड़े जूते पर भी लगा दिया था, अब आपने आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, मुरमुरे पर लगा दिया, दही पर छाछ पर लगा दिया, छाछ पर टैक्स, छाछ तो फ्री में बांटते हैं लोग गांव में, शर्म नहीं आती। कोई कावड़ पर प्रतिबंध नहीं है, कावड़ यात्री आराम से कावड़ निकालें, भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाएं, और ये जो बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं झूठा प्रचार कर रहे हैं, सब जगह कावड़ यात्रा निकल रही है, शर्म नहीं आती। कोई कावड़ पर प्रतिबंध नहीं है, कावड़ यात्री आराम से कावड़ निकालें, भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाएं, और ये जो बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं झूठा प्रचार कर रहे हैं, सब जगह कावड़ यात्रा निकल रही है, नाटक कर रहे हैं थानों में जा जाके जिससे माहौल बने, और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं बार बार कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध है, कोई प्रतिबंध नहीं है कावड़ यात्रा पर। मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा हूं और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने, मैं लगातार व्हाट्सएप पे देख रहा हूं और सोशल मीडिया पे देख रहा हूं झूठे झूठे बातें लिख रहे हैं, पाप लगेगा कसम है भोलेनाथ की। अब ये जो झूठा प्रचार इन्होंने किया तो भोलेनाथ आपको माफ नहीं करेंगे बीजेपी के लोग, सावधान हो जाओ। और सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कावड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बीजेपी के बहकावे में नहीं आए। जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।